खबर देखिए, पुतिन को चढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का दावा, मोस्कवा अब कोई नहीं बचा। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस के प्रेस सचिव ने कहा, रूसी युद्धपुर पर मौजूद हर एक शख्स समंदर में समाया। मिसाइल अटैक के साथ तूफान के कारण कोई नहीं बचाया जा सका। कहा जा रहा है कि मिसाइल अटैक के बाद और वहां साथ में वेदर कंडीशन की वजह से 510 समंदर में समाए। हालांकि पहले 400 कुछ लोगों को मारने का यह दावा किया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कोई नहीं बचा। सवाल यह है, यह बहुत बड़ी खबर है, और दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि यहां से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। रशियन मीडिया ये कह रहा है, रॉबिन सचदेव सर, यहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है, क्यों कह रहा है रशियन मीडिया ऐसा? देखिए, रशियन मीडिया ना भी कहे तो एक ये यूरोप के अंदर महायुद्ध की वॉर की तरफ दुनिया चल चुकी है। रशिया यूक्रेन में ग्राइंडर की तरह चलते जा रहा है, देर लगे चाहे जल्द आए, रशिया अब इस रास्ते पे रुकेगा नहीं। शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि रशिया 5 या 7 दिन में यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, आप सोचिए अगर रशिया ने ऐसे सोचा होता तो उसने इतनी फोर्सेस इकट्ठी करी होती अपने बॉर्डर पे। रशिया ने अपनी फोर्सेस इतनी इकट्ठी कर रखी हैं कि देखिए अभी तक चलती जा रही है। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं अभी, एक ब्लैक वॉल बना देगा ब्लैक सी कोस्ट के अलोंग, जिसके चलते यूक्रेन टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगा। बाकी उस एरिया के अंदर जो हो देखा जाए, कीव कैप्चर कर पाए ना कर पाए, रशिया सीरिया अफगानिस्तान बन जाए यूक्रेन, वो अलग right. रहेगा। बट रशिया का ऑब्जेक्टिव एक है कि ब्लैक सी के कोस्ट के अलोंग पूरा कैप्चर करो, वन। दूसरा होगा कि पोलैंड रोमेनिया से अब जो हैवी मशीनरी MI-17 हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है अमेरिका एंड हैवी यू नो आर्मर्ड व्हीकल्स, उनको रोका जाए। अब उनको रोकने के लिए रशिया अगर अटैक करना शुरू करेगा तो वहां पे पोलिश या रोमेनियन फोर्सेस से फ्रिक्शन होगी, चिंगारी होगी, जो कि एक कहीं भी जा सकती है right. तो ये तो डेफिनेटली। और अभी फिनलैंड की आप बात करें, क्यों नहीं, पुतिन का जो लॉजिक है यूक्रेन का वही बात कि 30 साल से नेटो एक्सपैंड किए जा रहा है, घेरे जा रहा है अब यूक्रेन। तो मतलब आप भी ये कहते हैं कि भले ही ये रशिया मीडिया ही कह रहा है, लेकिन असल में इसको जो देखा जाना चाहिए वो वाकई एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।